हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हुआ है शाम और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ कि मेरे घर आज कौन आया है। दादी हेलो कहो। हेलो हेलो, ऐसे अच्छा। तो मेरे घर मेरी दादी आई हैं और ये देखो मेरी मम्मी क्या बना रही है दादी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन किचन एंड लाइफ स्टाइल। तो हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे तरफ से सभी बड़ों को प्रणाम और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं इडली बना रही हूँ और आज अभी अभी हमारी सास आई हैं तो उनके लिए मैं ये बना रही हूँ। वो पूजा करने गई थी मंदिर। इडली मेरी दादी का फेवरेट है और प्लस उनके दांत से टूट भी जाएगा। अम नम नम नम, है ना मम्मी? हाँ बेटा, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए मैंने बैठा दिया है और इधर मैं बादाम को फ्राई कर ली हूँ। और यार्की कैसे दिखा रही हो? तो इसकी रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की हूँ इसलिए प्रॉपर तरीका से नहीं दिखाई हूँ। और ये इडली है और ये मेरी सास का बहुत पसंद है इसलिए मैं बना के अभी खिलाऊंगी उन्हें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दादी क्या देख रही हैं। दादी दिखाओ आप क्या दिखा रहे हो। तो दादी अपना गया पिंड वाला पार्ट टू देख रहे हैं, है ना दादी? खाना खा रही हूँ। खाइए खाइए। दादी कैसा बना है? दादी बहुत अच्छा। तो ये देखिए अभी मैंने लाल चाय बनाया है क्योंकि दूध हमारा फट गया था। तो ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, देख लीजिए। और ये हमारा इंस्टेंट सूजी का इडली है तो मैं बनाई हूँ और बहुत ही अच्छा बन गया था फ्रेंड। और बहुत ही जल्दी जल्दी बनाई थी। तो हम लोग अलग गए थे और हमारे घर से हमारी जेठानी और हमारे सास वो लोग सब अलग गए थे। तो यहाँ पे आए थे सभी लोग मिलने के लिए। मैं सभी को तो नहीं दिखा पाई बट सास को मीठी ने अपनी दादी को रोक लिया, जाने नहीं दिया गुलगुल और मीठी ने। तो वो रुक गई यहीं पे और वो जल्दी जल्दी आ भी नहीं पाती हैं क्योंकि उनका पैर में दर्द है। तो आई थी तो फिर वो लोग रुक गए। तो देखिए अब हम खा पी के तैयार हो गए हैं और चलिए हम आपको एक जगह ले कर चलते हैं। मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। चलिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हम कहाँ आ गए हैं। तो मैं एक बार और आपको दिखाई थी, हमारे घर के पास ही है। तो हमारी सास ये नहीं देखी है मंदिर तो हम लोग लेके आए हैं उनको दिखाने के लिए। तो ये है राम मंदिर, उनको लेके आए हैं। इतना साल से बना है लेकिन वो आ ही नहीं पाती हैं तो आज हम लोग उनको लेके आए हैं दिखाने के लिए। और वो बहुत खुश हुई यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगा उन्हें। और वो घूम घूम के सब देख रही हैं, आप लोग भी देख लीजिए। तो जैसा कि मैं अगले बार भी बताई थी कि मोबाइल अंदर में मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना है। थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी वही आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए अंदर का सीन है, हम लोग बहुत ही छुपा के ले रहे हैं आपके लिए। तो देखिए मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर काफ़ी शांति लगता है फ्रेंड। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है, इतना यहाँ पर शांति जैसा एहसास होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यहाँ शांति मिलती है। और ये संडे का है ब्लॉग, तो संडे का एक सुबह का मैं डाल ही चुकी थी पहले जब हम लोग ब्रह्माइन मंदिर गए थे। और ये शाम का है तो आज का दिन हम लोग मंदिर के लिए मंदिर में ही घूमे हैं, दो जगह मंदिर गए हैं। आने पे लगता है कि भगवान जी बात कर रहे हैं, इस टाइप से महसूस होता है। और यहाँ जैसा शांति कहीं नहीं मिलता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है फ्रेंड। और ये सीता जी और राम जी हैं, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए फ्रेंड्स। और ये गर्भगृह है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग। यहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे, तो जब भी मन करता है हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और अब हम लोग चलते हैं घर। तो बहुत देर हम लोग यहाँ पर बैठे भी तो ज़्यादा वीडियो लेना मना था इसलिए हम बैठने उठने का नहीं ले पाए। तो चलिए अब हम चलते हैं धीरे धीरे घर की तरफ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है फ्रेंड्स, तो आज है मंडे। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारी सास आप लोगों को हेलो बोल रही हैं और बोल रही हैं कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा
हमारी बहू के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ इनके लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी सास का बाल कलर कर रही हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये करना नहीं चाहती हैं, कभी की नहीं है, बट मैं आज लगा रही हूँ इनको कलर मेट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा बाल इनका सफ़ेद हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कर दे रही हूँ। ये करवाना नहीं चाह रही हैं बट मैं कर दे रही हूँ, बोली हूँ कि नहीं कर लीजिए अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बात नहीं टाली और कर रही हैं। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ करके। और मैं आज व्रत हूँ फ्रेंड्स, आज है मंडे, तो मंडे को तो मैं फास्ट रहती हूँ, आपको पता ही है। और ये आई हैं तो गुलगुल मीठी बहुत ही खुश है, तो इतना जल्दी जल्दी ये आ भी नहीं पाती हैं, इनके पैर में दर्द के लिए नहीं आ पाती हैं। और वहाँ पे पापा जी भी अकेले हैं, तो घर में भी उतना कोई नहीं है, सब बाहर ही रहते हैं। हमारे भसुर के लड़के लोग भी सबका नौकरी हो गया है, चाहे पढ़ाई लिखाई है, तो वो लोग बाहर ही रहते हैं, तो घर में भी कोई नहीं है ज़्यादा लोग, तो इसलिए इनको अब जाना ही पड़ेगा। तो आज तो नहीं जाएंगी बट कल चली जाएंगी। और ये देखिए मैं लगा रही हूँ, और हम लोग इंडिया के लोग जुगाड़ करने में एकदम माहिर हैं फ्रेंड्स, किसी भी तरह अपना जुगाड़ बना लेते हैं। तो मैं भी आज एक जुगाड़ लगाई हूँ, दिखा रही हूँ आपको मैं क्या जुगाड़ लगाई हूँ, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो मैं नाश्ता वास्ता सब बना ली हूँ, अब मैं इनको लगा दूँगी, इसके बाद इनका बाल उल धो दूँगी सूखने के बाद, और तक तक मैं जो और भी हमारा काम है वो सब मैं निपटा लूँगी, और फिर मैं कथा कहूँगी, मतलब कि पूजा करूँगी। तो ये भी हमारे साथ पूजा में बैठेंगी और करेंगी, और इसके बाद हमारी ननद भी आने वाली है अभी थोड़ी देर में, वो भी आ जाएंगी छोटी वाली, उनको भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मैं इनका कर रही हूँ, और ये बहुत ही खुश हैं, गुलगुल मीठी तो काफ़ी खुश हैं इनके बालों में लगाते हुए, कलर मेट लगाना उनको बहुत, वो ही तो बोली कि नहीं मम्मी दादी के बालों में कलर मेट प्लीज़ लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए ये हमारा जुगाड़, तो हमारे पास वो ग्लव्स नहीं था, तो मैंने इस पन्नी से अपना जुगाड़ बना लिया, और देखिए मेरे हाथ में थोड़ा सा भी कलर मिट नहीं लगेगा। और इस तरह से आपको भी कभी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, कि पन्नी को हाथ में बांध लीजिए और अपना लगा लीजिए, तो ग्लव्स नहीं भी रहेगा तो आपको कोई वो नहीं, इफ़ेक्ट नहीं आएगा, हाथ पे कोई कलर नहीं लगेगा, और आराम से आपका लग भी जाएगा। तो देखिए मैं लगा के आपको दिखा दी, इसी जुगाड़ के बारे में मैं बता रही थी कि हम इंडिया वाले जुगाड़ करने में एकदम माहिर हैं, फास्ट है, किसी भी तरह अपना जुगाड़ बैठा ही लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं कथा कह रही हूँ, सोमवार व्रत का मैं कथा कहती हूँ, तो आज मैं सुबह में ही कर दी कथा, ताकि हमारी सास भी सुन ले और ननद आई हैं वो भी सुन ले, सभी लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। और मैं कथा कह रही हूँ, सोमवार फास्ट का जो कथा होता है वो मैं सुबह में ही कर दे रही हूँ। ये लोग आई हैं तो ननद हमारी चली जाएगी शाम को, तो मैंने सोचा सुबह में ही कर देती हूँ। तो मीठी भी यहीं पे बैठी है और सभी लोग कथा सुन रहे हैं। माता पिता ने कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा, फलस्वरूप परात को अपना सा मुंह लेके खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, लेके हाथन से हाथन से हाथन इतने खाने जा बारे में कुछ छोड़ हेलो कहो बुआ, हेलो कहो मम्मी, हेलो कहो दादी, हेलो तालीम का के राज्य को दीजिए,
राम जी के अब हम अपन राज से उतर गए इनका के राजा अयोध्या को बना कौन दशरथ जी उनका बाबू जी रह गए राजा। यहाँ पे हम लोग चाय पी के अब शाम हो गया है, इवनिंग का टाइम है। तो मैं तो फास्ट ही हूँ, तो हमारी सास यहाँ पे कथा सुना रही है हम लोग को रामायण की। और मीठी बहुत ही ध्यान से कथा सुनने में माहिर है, मतलब कि स्टोरी रामायण वाला स्टोरी सुना रही है हमारी सास। और सभी लोग बैठ के यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे ननद के लड़के भी आए हुए हैं जो कि मीठी से बड़ा है, तो वो भी आ गया है और रात भर हम लोग के पास ही रहेगा आज। और कल वो सुबह जाएगा, कल उसकी स्कूल की छुट्टी है तो कल वो जाएगा। और ये हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। और इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा कोई रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, और यही है हमारा ननद का लड़का। तो फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ, रखती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई लाइफस्टाइल के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।